हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के मेरे चैनल पे मैं लेके आई हूँ मदर केयर के लिए। ये मदर केयर के लिए हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ। जैसे कि हमारा 5th month स्टार्ट होता है, उसी टाइम से आप अपनी टेक केयर करना शुरू कर सकते हो, या तो फिर आप आफ्टर 7 month के बाद। जैसे कि मैं यहाँ पे लेके आई हूँ कोका बटर फॉर्मूला। कोका बटर फॉर्मूला एक ऐसी फॉर्मूला है जो स्ट्रेस मार्क को रिमूव करती है। बट मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि स्ट्रेस मार्क कैसे होते हैं। तो कुछ लोग वहाँ पे ओल्ड लोग जो होते हैं वो लोग बोलते हैं खुजली होने से होते हैं, इचिंग होने से होते हैं। तो इचिंग या खुजली से नहीं होते हैं, पहली बात, ये गलत है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, और यहाँ से मैं दुबई में डॉक्टर से भी मैंने बहुत बार पूछा है, तो उन्होंने भी मुझे यही चीज़ समझाई है कि कभी भी इचिंग से या खुजाने से कुछ भी स्ट्रेस मार्क नहीं होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि एग्जांपल, हम जो बलून्स होता है तो हम कैसे खींचते हैं तो उसमें लाइन सर्कल्स दिखते हैं, वैसी तरह हमारी स्किन इतनी ड्राई होती है कि खींचने से स्ट्रेस मार्क हो जाते हैं। बट जिनकी स्किन ऑयली है उनको स्ट्रेस मार्क नहीं आएंगे, और जिनकी ड्राई है उनकी आएंगे। तो मैंने क्या किया था कि बिफोर प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही मैंने थोड़ा मॉइस्चराइजर लगाना, मसाज करना, स्किन को थोड़ा एक्सरसाइज करके थोड़ा लूज कर देना, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था। और मैंने 5th month से ये स्टार्ट किया था। मैं 5th month से रेगुलरली इससे मसाज करती थी। इनसे बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो स्ट्रेस मार्क कम आते हैं, हमारी स्किन ड्राई नहीं होती है, हमें इचिंग नहीं होती है, और दूसरा, बेबी को अंदर बहुत कंफर्टेबल फील होता है जब हम मसाज करते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मसाज कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा ये फॉर्मूला ले लेना है दोनों हैंड में इस तरह से, और इस तरह से सर्कुलर मोशन में हमें नीचे से ऊपर तरफ इस तरह से करना है, और इस तरह से करके उसके बाद हमें 1 by 1 इस तरह से करना है, लेफ्ट, इस तरह से राइट, एंड इस तरह से बीच में इस तरह से ही करना है। ऊपर से नीचे तक इस तरह से हल्के हाथों से करना है, पूरे सर्कुलर मोशन में ऊपर से नीचे इस तरह से। और इसका ये बेनिफिट आपको 9 month तक होगा, तो 9 month तक आपको करना चाहिए। बच्चे को भी बहुत अच्छा कंफर्टेबल होगा, बच्चा अच्छे से सोएगा अंदर। और उसके बाद अगर आफ्टर प्रेगनेंसी भी आप मसाज करना चाहे तो आपको तीसरे, नॉर्मल डिलीवरी है तो तीसरे दिन से शुरू करनी है मसाज, और उसमें ज़्यादा प्रेशर देके करनी है ताकि जो आपका जमा हुआ ब्लड है वो भी निकल जाएगा और आपकी स्किन अगेन मॉइस्चराइज होगी, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी भी ड्राई होना शुरू हो जाती है स्किन। तो ये बहुत सारे बेनिफिट होता है। और दूसरा है हमारा ये वाला, ये भी कोका बटर का ब्रेस्ट क्रीम है, तो ये ब्रेस्ट के लिए है। तो इससे भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि 7 month के बाद हमारी ब्रेस्ट फूलना शुरू हो जाती है और थोड़ी टाइट हो जाती है। तो जितना वो टाइट होती है उसमें मिल्क जो जमा होता है वो जमना शुरू हो जाता है, तो वो ज़्यादा जम जाएगा तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, उसमें छोटी छोटी वो गांठ बनना शुरू हो जाती है, तो वो भी एक नहीं अच्छी बात होती है। तो इसीलिए हमें मसाज करना चाहिए। और दूसरा बेनिफिट आपको ये होगा कि आप मसाज शुरू कर देंगे तो आपको जैसे ही डिलीवरी होगी उसके 2-3 घंटे में आपको फीडिंग आना शुरू हो जाएगी, और आपको उस टाइम पे बच्चे को भी लेने में आसानी रहेगी और स्मूथ रहेगी आपकी ब्रेस्ट। तो आपको इसका मसाज आफ्टर डिलीवरी भी करना है और बिफोर डिलीवरी भी करना है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी हैं, और अगर आप लेना चाहे तो मैं आपको इसकी लिंक और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इसका नाम और डिटेल्स, तो आप उसमें से देख के ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।